जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप लोग देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आल इन्फॉर्मेशन बार। आज के इस वीडियो में मैं VI जो कि वोडाफोन आइडिया था अब VI हो चुका है और साथ ही साथ जियो और एयरटेल के बीच कुछ प्लान का कंपैरिजन करने वाला हूं और आपको तीन ऐसे नए प्लान्स VI के बताने वाला हूं जो कि काफ़ी धमाकेदार प्लान्स VI ने लॉन्च किए हैं और काफ़ी सस्ते प्लान है और डेटा बेनिफिट जो है दूसरे टेलीकॉम कंपनीज के बदौलत काफ़ी ज़्यादा डेटा बेनिफिट दे रही हैं। कौन कौन से वो प्लान है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप कोई नया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सा टेलीकॉम कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं बेनिफिट्स के मुताबिक और कौन सा ऑपरेटर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है और कम से कम प्लान वाले बेनिफिट्स को भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और भी पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में कौन सा टेलीकॉम नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा नेटवर्क आपको सबसे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयरटेल की। एयरटेल आपको 198 रुपीज में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 1 GB पर डेटा साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉल देता है। अगर उसके 28 दिन वाले प्लान की अगर मैं बात करूं तो उसके 56 दिनों वाले प्लान की अगर मैं बात करूं एयरटेल की तो इसमें आपको 399 रुपए का रिचार्ज करवाना होता है, साथ ही साथ 1.5 GB डेटा और ट्रूली अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS आपको पर डे मिलता है। अगर आप इसके 484 डेज वाले प्लान को चूज़ करते हैं तो आपको 598 यानी 598 रुपये का प्लान लेना होगा, साथ ही साथ 1.5 GB डेटा पर डे और 100 SMS और ट्रूली अनलिमिटेड कॉल देखने को मिलता है आपको। अब अगर मैं बात करूँ जियो की तो आपको अगर 56 दिनों वाला प्लान लेना है तो 399 रुपये आपको खर्च करने होते हैं जो कि 1.5 GB डेटा और 1000 मिनट्स आपको मिलते हैं अदर नेटवर्क पे और ट्रूली अनलिमिटेड कॉल मिलता है जियो टू जियो और 100 SMS पर डे देखने को मिलता है जो कि एयरटेल में आपको यहाँ पर ट्रूली अनलिमिटेड कॉल देखने को मिलता है किसी भी नेटवर्क पर। अगर मैं बात करूँ 84 डेज वाले प्लान की जियो की तो यहाँ पर आपको 555 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और आपको 1.5 GB डेटा 100 SMS और 1000 मिनट आपको अदर नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए मिलता है और जियो टू जियो फ्री आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया जो कि अब VI हो चुके हैं इनकी कुछ धमाकेदार प्लान्स के बारे में जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और काफ़ी धमाकेदार ये प्लान है और बाज़ार में मुझे लगता है अब वोडाफोन आइडिया काफ़ी स्ट्रगल करने वाले नहीं हैं, इस प्लान के साथ वो अब काफ़ी सक्सेस होने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सस्ते सस्ते प्लान इन्होंने दूसरे टेलीकॉम के मुताबिक निकाल दिए हैं बाज़ार में। तो पहले बात कर लेते हैं इनके 28 दिन वाले प्लान की। तो इनके 28 दिन वाले प्लान में आपको 149 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना होगा, यहाँ पर आपको 1 GB डेटा पर डे और ट्रूली अनलिमिटेड कॉल साथ ही साथ 100 SMS और 2 GB एक्स्ट्रा डेटा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। एयरटेल और जियो की तुलना में ये प्लान्स काफ़ी सस्ते हैं, कम से कम आपको 40 से 50 रुपये की बचत देता है VI। अगर मैं बात करूँ 56 दिन वाले प्लान की तो यहाँ पर आपको सिर्फ खर्चा करना होगा 399 रुपये जो कि सभी टेलीकॉम कंपनीज के रेट से बराबर है, पर यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको 1.5 GB की जगह 3 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल 100 SMS देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ 84 डेज वाले प्लान की, VI के 84 डे वाले प्लान की, तो ये काफ़ी सस्ता प्लान है। यहाँ पर आपको सिर्फ 555 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और आपको यहाँ पर 3 GB डेटा पर डे और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉल 100 SMS बिल्कुल फ्री मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो आप बताइएगा कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है, आप उसी के तरीके से आप किसी भी टेलीकॉम सेक्टर में स्विच कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में VI के नेटवर्क अच्छे होते हैं और अच्छा स्पीड इंटरनेट देता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप VI का ही ऑपरेटर यूज़ करिए जो कि आपके लिए काफ़ी सस्ता और काफ़ी बेनिफिट देने वाला प्लान लेके आ रहे हैं बाज़ार में। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर जरूर दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।